हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का लॉक स्क्रीन पैनल लेके आऊँ, जो कि गैस आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो गैस आपने आज के इस वीडियो का इंट्रो तो देख लिया होगा, आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का लॉक स्क्रीन पैनल देखने को मिल रहा होगा। तो गैस है ना एकदम अमेजिंग एंड कूल, यही आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में अप्लाई करके अपने एंड्रॉयड डिवाइस का लॉक स्क्रीन पैनल एकदम अमेजिंग बना सकते हो। तो गैस इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, एंड तक बिना स्किप करें, और गैस मैं आपको 110% वर्किंग दूंगा और एकदम कंप्लीट बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में अप्लाई कर पाओगे, वो भी इजी वे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक, आप देख रहे हैं अशोक टेक ऑफिसर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस आज की इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये मिस्टर अशोक हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलिए आज की इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। गाइस मेरे पास है ये ओप्पो का फोन और गाइस अभी आप इसका लॉक पैनल देख सकते हो, एकदम सिंपल है जो कि मैंने अभी हटा दिया। ये मेरे फ़ोन का है जो आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन में नॉर्मल देखने को मिलता है। तो गाइस आपका भी एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन का एक लॉक पैनल होगा, हर फोन का अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन गाइस मैं जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप अपना लॉक पैनल चेंज कर सकते हो। और गाइस आप अपने कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो उसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का लॉक पैनल लगा पाओगे, भी बहुत ही आसानी से। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। यहाँ पर गाइस आपको सर्च बार में लिखना है S22 लॉक। तो गाइस आपको सिर्फ इतना सर्च करना है, आपको सबसे वाली पहली वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना, बस 10 MB की एप्लीकेशन है। और गाइस आप इसको देख सकते हो 500K+ इसके डाउनलोड्स हैं। गाइस बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे 110% वर्किंग करेगी। और गाइस जो लॉक पैनल होगा ना, वहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल भी देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का। तो गाइस चलिए ये एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल, अब चलते हैं एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है आपको अपने फ़ोन में, मैं आपको ये बहुत आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर गाइस आपको परमिशन देखनी है, परमिशन देते हैं हम। सेम गाइस आपको भी ऐसे ही करना है, बैक आ जाना है, फिर कंट्रोल पैनल पे आ जाना है, ऑन करना है। गाइस ये हमारी ब्राइटनेस होती है और कंट्रोल पैनल भी आपको देखने को मिलेगा। और गाइस आप अपनी फ़ोटो कैसे अप्लाई कर पाओगे लॉक स्क्रीन पे, मैं आपको ये भी बता दूंगा। नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको एक सिंपल देखने को मिलेगा, अगर अभी आप अपना लॉक लगाओगे तो आपको नॉर्मली बिना पासवर्ड के ऑन हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको इनेबल पासकोड देखने को मिलता है, चेंज पासकोड देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप पैटर्न भी लगा सकते हो इसके अंदर गाइस, जब भी आपका लॉक का एक असली मज़ा आएगा। तो गाइस चलते हैं हम एंटर पे पासकोड पे। तो गाइस मैं भी इसमें 111 डाल देता हूँ। तो गाइस ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, एक ऐड आ जाती है, इतना ही होता है बस। तो गाइस ये आप इनेबल देख लें, और गाइस इनेबल लॉक स्क्रीन गाइस आपको इसे भी ऑन करना है। इतना आ जाने के बाद गाइस ये हमारे फ़ोन में इनेबल हो गई है, तो हम लॉक लगाते हैं। और गाइस अभी जाना नहीं, मैं अभी आपको और भी बताता हूँ कि कैसे फिक्स होगा। तो गाइस आप देख रहे हैं हमें सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का लॉक पैनल देखने को मिल रहा है। एंड गाइस हम फिर गाइस आपको ऊपर करके 111 डाल देना है। इतना डालने के बाद गाइस आपका फ़ोन में जो ये नोटिफिकेशन है ये रहती रहती है, इसे कैसे फिक्स करें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम अपने फ़ोन का लॉक डालते हैं। तो आपको सिंपल से गाइस इस पर क्लिक करना है, एंड नोटिफिकेशन मैनेज नोटिफिकेशन पे आ जाना, आपको ये ऑफ़ कर देनी है ताकि आपकी कोई नोटिफिकेशन ना रहे। इतना करने के बाद गाइस फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे लॉक हमने लगा दिया, अब हम ओपन कर रहे हैं, हमें सैमसंग गैलेक्सी का हमें लॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर फ़ोटो देखने को नहीं मिल रहा होगा, जो कि गाइस मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था वहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिल रहा था, वो भी मेरे ही। तो गाइस वो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको बैक आ जाना है। आप तो पहले हम लॉक खोल लेते हैं अपना, तो हमारा लॉक जो फेस लॉक है अभी चल नहीं रहा गाइस, नहीं तो हमारा पहले ही खुल जाता, क्योंकि गाइस अभी मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ इसलिए। तो गाइस तो आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, फिर गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको चेंज प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करना है, एंड गैलरी पे आ जाना है। इतना करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ जैसे आपके रिसेंटली हो या कहीं भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके फोल्डर आ जाएंगे, वहाँ से आप एक फ़ोटो निकाल लीजिए। तो गाइस मेरी यू व्हाट्सअप में थी तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड गाइस आपको सेट करनी है फिर, तो मैं इस तरीके से अपनी फ़ोटो सेट कर लेता हूँ एंड राइट करता हूँ। राइट करने के बाद गाइस फिर हम काटते हैं, लॉक लगाते हैं अपना, तो हमारा ये सैमसंग वाला लॉक आ गया। अब गाइस आपको
यहाँ पर फोटो देखने को मिलेगी। तो गाइस मैं सही से सेट नहीं कर पाया, आप एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो बस इतने, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का लॉक स्क्रीन पैनल कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो गाइस जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मिस्टर सोगी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।